डूंगरपुर के पूर्व विधायक आदरणीय देवेंद्र जी कटारा हमारे साथ राजस्थान विधानसभा में सदस्य रहे थे और मेरा इनसे बहुत निकट का संपर्क ही रहा। मैंने और इनके वक्तव्य भी सुने, विधानसभा में इनके भाषण भी मैं सुनता था। बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत अच्छे वक्ता है। और जब मैं अभी उपचुनाव में प्रवास पर जब गया उस क्षेत्र में और 84 विधानसभा क्षेत्र के अंदर, वो डूंगरपुर जिले में ही आती है, डूंगरपुर के एकदम बाजू में है, तो वहां गया, मैंने पता किया कि यहाँ के विधायक थे हमारे साथ में, तो फिर पता कर किया, तो फिर मैंने संपर्क किया इसे, संपर्क करके हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। हमने कहा हमारे मूल परिवार से अलग मत हो और इस विराट परिवार के अंदर आपका पूरा सम्मान है, आप हमारे साथ, हमारी बुद्धि है तो हमारी बुद्धि दिखनी नहीं चाहिए, हमारी बुद्धि संगठित रूप से और पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए काम आए। आपने एकदम से स्वीकार किया कि नहीं, मैं आपने मुझे कहा है तो मैं पार्टी की ताकत करना चाहूंगा, 84 विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं अपनी सामर्थ्य लगाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के भीतर मैं पूरी भूमिका निभाऊंगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हम अपने परिवार को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देना चाहते, हमारी कहीं भी इधर उधर कहीं भी पूंजी बिखरी हुई है तो हम सबको संगठित करके, संकलित करके, एक साथ लेकर के और पार्टी का काम करते हैं। अब हमारे वहां पर 84 विधानसभा भी हमारी बहुत मजबूत हो गई है, इनके आने से हमको बहुत लाभ मिलेगा। हम इनका, हमारे मूल परिवार में बहुत अभिनंदन करते हैं, इनका स्वागत है। गाय की पूजा करते हैं, हमारा सम्मानित पशु है, गौ संरक्षण, गौ वंश संरक्षण ये हम करते हैं। हमने तो ये विभाग भी बना रखा है, मंत्रालय बना रखा है और सभी काम कर ही रहे हैं। गाय की सेवा करना, गाय की, उसको गाय की रक्षा करना, उसका संरक्षण करना केवल धार्मिक ही नहीं है, केवल आध्यात्मिक ही नहीं है, अपितु ये लाभकारी भी है, व्यक्ति के लिए लाभकारी भी है। ये हमने साबित किया, हमने वो वर्ष यानी नंदी जिसका भी आजकल उपयोग कम हो गया, हम उसका उपयोग कैसे हो सके इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। हमने एक बैल ट्रैक्टर का आविष्कार करवाने का भी काम किया कि ताकि बैल का उपयोग हो सके। वैसे विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र में तो बैल से ही खेती होती है, इस प्रकार का प्रयास हो रहा है तो हम तो कर ही रहे हैं। गाय का संरक्षण करवाना, गौमूत्र और उसका अर्घ बहुत कीमती है, ये हमने किसानों को, आम नागरिकों की समझाने की कोशिश की। और जैविक कृषि का ही नहीं, जैविक कृषि में तो लाभ नहीं है, जैविक कृषि से जो उत्पादित अनाज है उसकी कीमत भी देख गुना मिलती है, ये भी हमने किसान को समझाने की कोशिश की है। हमने ये जो गोबर है इससे भी क्या क्या बनाया जा सकता है, उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये पर्यावरणीय दृष्टि से भी कितना लाभकारी है, ये सब हमने किसान को समझाने की कोशिश की है। गौशालाओं का विस्तार करना, अनुदान देना, ये सब काम हमारे धर्म सिंह जी शेखावत साहब की सरकार ने ही प्रारंभ किया था, उसके बाद अनवरत वसुंधरा जी ने किया और हमारी बदललाल जी की सरकार भी इस पे काम कर रही है। निश्चित रूप से हम इसमें राजनीति नहीं करते, गौ संरक्षण का काम करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। कांग्रेस आरोप लगाए तो कांग्रेस को भी ये कहना चाहूंगा, एक बात मैं आपको बताऊं, राजनीति कौन कर रही है ये आपको बताऊं, कांग्रेस का पहले चुनाव निशान था दो बैलों की जोड़ी, दो बैलों की जोड़ी कांग्रेस का चुनाव निशान था। कांग्रेस ने अपना चुनाव निशान बदल के गाय बछड़ा किया, हिंदुओं की भावनाओं को और परचेज करने का काम किया,
उनको आकर्षित करने का काम किया, गाय बछड़ा चुनाव के साथ लिखा। और उसके बाद जब जो हत्यारे उनके साथ में घूमने लग गए तो उन्होंने गाय बछड़ा चुनाव के साथ भी छोड़ दिया, हाथ का पंजा लेकर के आ गए। तो राजनीति कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं कि कांग्रेस कर रही है? ये तो उनको खुद को अपने गिरे बात में ध्यान रखे देखना चाहिए। गाय का लाभ उन्होंने लिया, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम उन्होंने किया और वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। मैं सुनता हूँ कि ये उनका लिंग भी नहीं लग रहा है पूरा महत्व है, पूरा मान है। और हम तो अभी प्रयास भी ये कर रहे हैं कि गौ हत्या पूर्णतया बंद हो गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राठौड़ साहब और मंच पर विराजमान हमारे सभी नेतागण, मैं 2013 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहा था, डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र से। 18 के बाद हमारा कुछ विवाद हुआ और काफी पछताने के बाद हमने 5 साल निकाल दिए। अब पुनः माननीय अध्यक्ष जी डूंगरपुर पधारे थे, हमारा आपसे मिलना हुआ, चर्चा हुई और इस विराट परिवार में पुनः मुझे घर वापसी का अवसर मिला। मैंने उसको स्वीकार किया और आने वाले समय में उदयपुर संभाग में हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और आगे से हम पार्टी के सारे आदेश की सिर पर एक अपना छत्रछाया मानते हुए हम काम करेंगे। यही बात कहनी है, धन्यवाद।